वैसे दर्शकों ने अभी तक भोजपुरी की कई हिट फिल्मों के नाम सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि भोजपुरी में ऐसी बहुत सी फिल्में थी जो सिनेमाघरों में रिलीज तो हुई लेकिन फ्लॉप साबित हुई और दर्शकों ने उस फिल्म को ज़्यादा पसंद नहीं किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले भोजपुरी फिल्म देश परदेश से। इस फिल्म में भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के साथ हॉट अदाकारा मोनालिसा भी थी। इस फिल्म के पोस्टर को देखकर यही अनुमान लगाया जा रहा था कि यह फिल्म सिनेमाघरों में सुपरहिट साबित हो सकती है, लेकिन ये अनुमान बिल्कुल गलत निकला और फिल्म फ्लॉप साबित हो गई। चलिए रुक करते हैं दूसरी फिल्म की तरफ जिसका नाम था दूध का कर्ज। अगर इस फिल्म की कहानी की बात की जाए तो इसमें निरहुआ के साथ खेसारी लाल यादव भी मुख्य भूमिका में नजर आ रहे थे, लेकिन इस फिल्म की कहानी दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आई और ये फिल्म रिलीज होने के कुछ समय बाद फ्लॉप साबित हुई। तो सुना आपने कि भोजपुरी की ये फिल्में किस तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।